गुड इवनिंग सब लोगों को जल्दी जल्दी जल सब लोग जुड़ जाइए राजू भाई चलिए शुरू करेंगे हम लोग फटाफट सब लोग जुड़े और हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा जो ड्रिलिंग का है आज हम दूसरा क्लास इस ड्रिलिंग का लेंगे इसके बाद हम बोरिंग के पे भी क्वेश्चंस करवाएंगे क्योंकि ड्रिलिंग के आज जो क्वेश्चंस करवाएंगे यहाँ पे भी आपको डीआरडीओ में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इस पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ठीक है और जो लोग एएलपी की तैयारी करते हैं उनको भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो फटाफट करके सब लोग एक बार जुड़ जाइए और हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके क्लास को और आज आपका जो है ये ड्रिलिंग का हम लोग नेक्स्ट सेशन को हम लोग देखेंगे पिछला एक क्वेश्चन जो छुटा हुआ है उसको भी हम आज कवर कर देंगे लास्ट में पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है इसमें लिखा है कि द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस टू द जॉब वन कंप्लीट रिवोल्यूशन काफी लिखा हुआ है, one complete revolution कहने का मतलब है अगर घूमेगा तीन सौ सात डिग्री घूमेगा और जब ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग एक ही जगह पर घूमता नहीं है ड्रिलिंग घूमते घूमते अंदर भी जाता है तो मेरे दोस्त सब लोग फटाफट लाइव सर आपका ऑफिस में कुछ काम मिलेगा आपके ऑफिस में अगर देखिए आकर के पता कीजिएगा अगर कुछ होगा तो उस तरह का बता दिया जाएगा बोरिंग रेमिंग <coughs> और सिंकिंग सब है सर हां सब पे क्वेश्चंस करवाएंगे सर चलिए फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और अयोध्या की धरती से आपको प्रणाम सर सभी वीडियो का प्लेलिस्ट में डाल दीजिएगा बिल्कुल आपके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जाएंगे जो भी आपके वीडियो पहले के भी हैं वो भी वीडियो आपके डाल दिए जाएंगे जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और हम लोग शुरुआत करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और ये ड्रिल से रिलेटेड है किससे रिलेटेड तो कहेंगे ड्रिल का ये क्वेश्चन है हमारा और कह रहा है एक ड्रिल एक संपूर्ण परिक्रमण में संपूर्ण परिक्रमण कहने का मतलब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा है मैं जॉब में जॉब मतलब क्या वर्क पीस में प्रवेश करने की प्रक्रिया को प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आरपीएम दे रखा है कटिंग स्पीड दे रखा है फिट दे रखा है और मशीनिंग स्पीड भी दे रखा है मशीन स्पीड तो समझेंगे अगर हम लोग ड्रिल की बात करते हैं अगर हम लोग ड्रिल की बात करते हैं अगर हम लोग ड्रिल की बात करते हैं तो हमारा ये ड्रिल होता है ये हमारा ड्रिल बिट है गौर सुनेंगे हमारे ड्रिल बिट जो होंगे जिनका हम फ्रंट व्यू अगर आपके सामने बना करके दिखाओ तो हमारे जो ड्रिल बिट होंगे वो हमारे ड्रिल ड्रिल बिट कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा

ड्रिल बिट के माध्यम से एक्चुअली में इसका डायग्राम हम आपके सामने बना रहे हैं ये ड्रिल बिट हमारा है क्लियर है ये ड्रिल बिट है तो इसी का रफ डायग्राम हम आपके सामने एक्चुअली ये हमारा रोटेट करेगा और जब रोटेट करेगा तो अगर रोटेट करेगा तो मेटल को काटेगा भी वर्क पीस को काटेगा भी और अंदर भी जाएगा <laughs> इसका मतलब है कि जब यह एक कंप्लीट रोटेशन लेगा एक कंप्लीट जब ये रोटेशन लेगा तो ये अंदर की ओर भी जाएगा तो अंदर की ओर जो जितना जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन में अंदर की ओर जितना जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते थे हैं उसी को हम लोग फीड कहते हैं यानी कहने का मतलब है एक रोटेशन अगर कंप्लीट हुआ जितना ड्रिल अंदर गया उतना ही उसमें फीड मिला है तो यहां पर जो दे रखा है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ड्रिल एडवांस इन टू ड्रिल एडवांस इन टू दॉब ड्रिल में जितना अंदर जाएगा उसको क्या कहेंगे तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि यहां पर लोग क्या बोलेंगे? तो फीड बोलते हैं याद रखना है, इसको हम लोग <coughs> फीड बोलते हैं दूसरी बात अगर आरपीएम की बात करता है तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट रिवोल्यूशन पर मिनट हम लोग आरपीएम को कहते हैं दूसरा कटिंग स्पीड अगर ड्रिल का कटिंग स्पीड अगर कैलकुलेट करना होगा तो ड्रिल का करतन जो गति होगा इनका करतन गति यानी करतन गति कहने मतलब जो काटने की गति होगी जो कटिंग स्पीड होगा वो कितना होगा तो V इक्वल टू यहां पर पाई डी एन अपॉन में कितना हो जाता है पाई डी एन अपन में हमारा वन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ये कर्तन गति का ये फॉर्मूला है कि ड्रिल जब हमारा कटिंग कर रहे थे कटिंग स्पीड अलग होता है इस ड्रिल के रोटेशन का स्पीड अलग होगा कटिंग स्पीड अलग होता है कटिंग जो काटने की गति है वो कितना फास्ट कट रहा है कितना स्लो कट रहा है वो काटने के लिए है और ये ड्रिल जब घूमता है इनका आरपीएम अपना होता है तो कटिंग स्पीड आरपीएम पे भी निर्भर करता है जितना ज्यादा स्पीड से घूमेगा उतना ज्यादा करतन होगा उतना ज्यादा करतन गति भी मिलेगा कर्तन गति ज्यादा तो करतन ज्यादा करेगा तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन के जो हमारे आंसर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे किंगे फीड होगा क्या आंसर करेंगे तो कहेंगे फीड हमारे राइट right हो जाएंगे आगे चलते हैं अब देखिए यहां पर यह चीज वही डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ऐसे करके हमने इसमें क्या कर दिया रोटेशन दिया और इनका फीड जो होगा रेड कलर का आपको ये दिख रहा है और जो वर्क पीस के अंदर घुस भी रहा है तो याद रखेंगे और दूसरी बात याद रखना कि अगर हम लोग जो ड्रिल के डायमीटर यूज करते हैं जिधर करतन होता है ना उसका ये वाला और ये वाला हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक उनका ये डायमीटर लेते हैं जैसे कर्तन गति में हम लोग v इक्वल टू पाए डी एन अपन में क्या यूज करते हैं तो एक हजार टर्म यूज करते हैं ये कर्तन गति का फॉर्मूला है ये कर्तन गति है और ये हमारा पाई कांस्टेंट टर्म है डी अगर बोले तो डी हमारा ड्रिल का डायमीटर है जो कि ये डाया होता है ये डाया, ये का इसकी डाया नहीं होती है ये ड्रिल का डाया होता और एन क्या है नंबर ऑफ रिवलेशन की बात करते हैं सर मैं आई में एम से किया था तो सर मैं किस ट्रेड से एग्जाम देना पड़ेगा प्लीज सर बताइए देवा <coughs> देवेश कुमार जी राठौर चलिए देवेश जी देवेश थोड़ा ध्यान से सुनिएगा देवेश अगर आप एम से आई किए हैं तो आप एम से ही आप फॉर्म भरेंगे

जिसमें आपको जिसमें आपको रेफ्रिजरेंट्स के बारे में पढ़ने होंगे जिसमें आपको भी साइकिल पढ़ना पड़ेगा वैपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको वेपर एब्जॉर्सन साइकिल पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको कूलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको डिजर्ट कूलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको ए के बारे में पढ़ने होंगे जिसमें ए के इक्विपमेंट्स को पढ़ना होगा ये सारी चीज़ें एम को पढ़ने होते हैं ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन बहुत कुछ ऐसा है 50 परसेंट के आसपास जो कि आपको फीटर वाले का ही कॉमन चीज होता है ये भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है <coughs> इसीलिए आपको भी ये पढ़ना होगा और हमारे फीटर डीजल वाले भाइयों को भी ये पढ़ना है इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसको ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं देखो क्वेश्चन कैसे बनता है अगला दे रखा है द रेट ऑफ फीड डिपेंड्स ऑन अब देखो फीड जो है वो किन किन चीजों पर हमारा निर्भर करता है तो फीड जो होगा <coughs> हमारे ये जो रेट होगा रेट ऑफ फीड कितना वो अंदर जाएगा देखो तो फीड जो है फीड का क्या पूछा है तो रेट पूछा है फीड का रेट पूछा है भरण की दर पूछी गई है रेट पूछा गया है फीड का कितना अंदर जाएगा इसका मतलब है कि ये मटेरियल ऑफ टूल के ऊपर भी निर्भर करेगा टूल जो है हमारा ये किस मटेरियल का है ये कितना काटेगा उसके हिसाब से भी फिट जाएगा दूसरा कि 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 जो हमारा मटेरियल मटेरियल टू बी ड्रिल ड्रिल यानी जिस को हम ड्रिल कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा कि कैसे मटेरियल को हम काट रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा तो ये इस पे करेगा इस पे करेगा और दूसरी बात कि हमारा जो फिनिश रिक्वायर्ड होगा हमें कितना हद तक करना है उस पर भी निर्भर करेगा इन सारी चीजों पर हमारे फीड का फीड uh, हमारे डिपेंड करते हैं तो याद रखेंगे फीड से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहां पे बन जाने चाहिए नेक्स्ट तो ज्यादा मिलता जुलता सिलेबस है हमारे फीटर से लेकिन मशीनिस्ट के बहुत सारे बहुत कम बच्चे हैं इसीलिए हमारे यहां भी वो कोर्सेस नहीं लाए गए लेकिन मैक्सिमम चीज आपके यहीं से पढ़ाए जाएंगे कुछ दिन के बाद जब जनवरी में आप आए जनवरी की बात करते हैं नए साल की बात करते हैं तो मशीनिस्ट वगैरह का भी एनालिसिस करके आपको वो एक वीडियो बना करके दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आप तैयार रहिएगा जनवरी में हम आपके लिए वो काम करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू शुरू करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल देखो हेलिक्स एंगल की अगर बात करते हैं हमारे ड्रिल में जो हेलिक्स एंगल होता है इस हेलिक्स एंगल को हम लोग रैक एंगल के नाम से भी जानते हैं इस हेलिक्स एंगल को हम लोग क्या कहते हैं तो इस हेलिक्स एंगल को हम लोग रैक एंगल के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग रैक एंगल के नाम से भी जानते हैं आप कहेगा सर ये हेलिक्स एंगल होता क्या है तो गौर से सुनिएगा आपको हम हेलिक्स एंगल दिखाने वाले हैं गौर से सुनना मेरे दोस्त आपको हम हेलिक्स एंगल दिखाते हैं तब जाकर के आपको ये पूरा दिमाग में चला जाएगा कि हेलिक्स एंगल हमारा होता कैसा है देखो यहां पे गौर से देखना तुम्हें यह डायग्राम दिख रहा होगा और हेलिक्स एंगल तुम्हें पता चल जाएगा ये हमारे पास ये ड्रिल है ये हमारा ड्रिल बिट है जिसकी मैं बात कर रहा था यह हमारा ड्रिल बिट है ये हमारा ड्रिल बिट है इसमें हेलिक्स एंगल की अगर बात करें तो ये जो बीचो बीच जो लाइन एक गया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो ये हमारे ड्रिल का एक्सिस है बीचो बीच हमारा क्या है तो कहेंगे ड्रिल का एक्सिस है अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो गड्ढे बने हुए हैं ये जो गड्ढा बना हुआ है ये गड्ढा आप देखते होंगे इसके अंदर बना हुआ है इसको हम लोग फ्लूड्स कहते हैं इस गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं ये जो गड्ढा आपको दिख रहा होगा ऐसे करके ये दिख रहे दिख रहा होगा ऐसे करके ये वाला जो आपको गड्ढा नजर आ रहा होगा ये वाला गड्ढा ये एक्चुअली इसी को हम लोग फ्लूड्स कहते हैं और फ्लूट कहने का मतलब उसी के माध्यम से जब मेटल कटिंग करता है ना हमारा ड्रिल जब कट करता है इसी के माध्यम से वो चिप्स बाहर निकलते हैं क्योंकि ये चिप्स को बाहर निकालने का रास्ता है और साथ ही साथ हम जब कूलेंट डालते हैं तो इसी के रास्ते से हमारा कूलेंट क्या होता है कटिंग एज तक पहुंचता है ताकि वो कटिंग एज हमारा टूटे नहीं वो कटिंग एज हमारा हमेशा की तरह वो काटते रहे ज्यादा गर्म होने पे वो टूट भी सकता है अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा हेलिक्स एंगल कौन सा होगा तो ये जो आप लाइन आप देख पा रहे बीचो बेस ये तो हमारा ड्रिल का हो गया इसमें आप देखते होंगे कि हमारे ड्रिल में कर्व बने हुए हैं ऐसे और इस कर्व पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ उसका एंगल को हम लोग क्या करेंगे जो ड्रिल के एक्सिस हैं उस एंगल को अगर हम लोग यहाँ पर मिला देंगे तो ये हमारा मान लेते हैं फाई एंगल है इसी एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं गौर से देखो यहां पर एक बीचो बीच एक लाइन हमारा गया होगा ऐसे करके जो कि हमारा इसका एक्सिस होगा जो कि इस पॉइंट से निकला होगा अब ये जो कर्व है इस कर्व पर इस कर्व पर क्या करेंगे तो एक हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे और उस एक्सिस से स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल होगा दैट इज हेलिक्स एंगल होता है उसी को हम लोग हेलिक्स एंगल भी कहते हैं आगे चल करके हम बताएंगे इसमें लीप एंगल कहां पे होता है और इसके अंदर इंड एंगल इंड कटिंग एंगल एंगल एज कहां पे होता है सब की बात हम करेंगे लेकिन बारी बारी से आपको सीखना तो अगर हेलिक्स एंगल की अगर बात करते हैं तो गौर सुनना ये हमारा ड्रिल बिट है इनके ये बीचो बीचो जो भाग गए हुए हैं ये ड्रिल का एक्सिस है और इसी पर ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं फ्लूट्स का तो इसी पर एक टेंजेंट

बनाता है लेकिन आपको गौर से सुनना है यह ड्रिल बिट का यहां से लेकर के यहां तक यह हमारा ड्रिल का यह वाला जो है ये इनका बॉडी होता है और यह इनका सेंक वाला पार्ट होता है और यह सेंक ही क्या होता है जो ड्रिल के चक होते हैं उसमें उसको फिट कर देते हैं

That is answers, क्या करेंगे तो कहेंगे B options हमारे यहाँ पे राइट right हो जाएंगे बी ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे helix angle को ही हम लोग रैक एंगल के नाम से जानते हैं और हेलिक्स एंगल हमारा जो ड्रिलिंग का एक्सिस है और उनके सरफेस पे जो ये कटिंग एज बने हुए हैं इस कटिंग एज से एक सीधा स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके

एंगल एंगल बोले या लीप एंगल अगर बोलता है तो आठ से डिग्री तक होगा और हेलिक्स एंगल कितना होगा ये लगभग लगभग 45 से 48 डिग्री तक होता है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्लियर है आर्यन जी अब हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया क्लियरेंस एंगल कितना होगा तो याद रखिएगा अगर रैक एंगल की बात करते हैं तो ये कितना होगा तो याद रखना ये हमारा 45 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री तक हमारा रेक एंगल होता है अगर हम लोग बात करेंगे क्लियरेंस एंगल का कितना होगा तो याद रखना ये क्लियरेंस एंगल जो होगा ये हमारा लीप स एंगल की मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं लीप क्लियरेंस एंगल की मैं बात कर रहा हूं अगर ये क्लियरेंस एंगल नहीं अगर ये लीप क्लियरेंस एंगल होता अगर ये हमारा लीप क्लियरेंस एंगल अगर होता तो वैसे सिचुएशंस में हमारा ये आठ डिग्री से लेकर के बारह डिग्री जो होता हमारा एंगल होता है अब कहिए सर पॉइंट एंगल क्या है तो पॉइंट एंगल की अगर आप बात करते हैं तो जो कटिंग एज होते हैं दो कटिंग एज इसमें कितने कटिंग एज हैं इसमें दो कटिंग एज है और दोनों कटिंग एज के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं जैसे कहने का मतलब समझिएगा यह हमारा ड्रिल बिट है और इस ड्रिल बिट में ये कटिंग एज है एक ये कटिंग एज है यह दोनों कटिंग एज है यही मटेरियल को काटेगा उसमें पूरा धार धार होता है और इनके बीच का ये एंगल जो होता है इसी को हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं जो कि टू थीटा के बराबर होता है और याद रखना कि पॉइंट एंगल जो होते हैं वो हमेशा कितने के बराबर होगा कि जो पॉइंट एंगल हमारा होता है ये हमारा टू थीटा के बराबर होता है चाहे आप अंदर वाला थीटा टू थीटा लीजिए कि आप बाहर वाला लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इसको भी पॉइंट एंगल के नाम से जान सकते हैं लेकिन जब भी पॉइंट एंगल की बात करेगा कहना टू थीटा ही हमारा पॉइंट एंगल होता है इस बात को ध्यान में रखेंगे सर मेरा आंसर नहीं दे रहे क्या रविकांत जी का क्या कहना था मैं मैसेज नहीं देख पाया रविकांत जी टर्नड के लिए कोई बैच टर्नड के लिए भी बैच आएंगे इतना दिन इंतजार किए हैं तो थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए जनवरी में आपको एक से एक सारे बैच देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप तैयार रहेंगे आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा और यहां पे आ, आ, संजीत घोष क्वेश्चंस इंग्लिश वर्जन में डालिएगा बिल्कुल वेस्ट बंगाल से हैं आप कोई दिक्कत नहीं आपको इंग्लिश हिंदी में कहीं कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है ठीक है तो इसको हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं जिसको बिंदु कोण के नाम से जानते हैं तो ये हमारा पॉइंट एंगल होता है लेकिन अलग अलग ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल भी अलग अलग होता है अलग अलग वर्कपीस के अंदर ड्रिल करने के लिए अलग अलग वाले पॉइंट एंगल का यूज करते हैं जो ज्यादा हार्ड होगा उसके लिए जो पॉइंट एंगल यूज करेंगे कम पॉइंट एंगल वाले यूज करेंगे जो ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होगा उनका पॉइंट एंगल अलग होगा तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के कारण वर्कपीस का जो वर्कपीस होगा कार्जखंड होगा जिसमें ड्रिल करेंगे वो हार्ड है कि सॉफ्ट है उसके हिसाब से हम लोग पॉइंट एंगल का चूज करते हैं और जनरली जनरली बोल रहे हैं जनरली हमारे पॉइंट एंगल जो होंगे माइल्ड स्टील वगैरह का जब हम लोग करते हैं उस केस में 118 डिग्री हम लोग पॉइंट एंगल लेते हैं 118 डिग्री पॉइंट एंगल बोल रहा है इसका मतलब यह समझना कि टू थीटा बराबर 118 डिग्री बोल रहा है इस बात को ध्यान में रखना अगर पॉइंट एंगल 118 डिग्री बोल रहा है तो समझ लेना कि टू वैल्यू 118 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू 118 सौ अठारह नहीं होगा टू द पॉइंट एंगल और उनके बीच का एंगल कितना होगा तो कहेंगे एक डिग्री होता है हम लोग बात करेंगे उसके बारे में ठीक है इंक्लिनेशन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे लेकिन इस क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे बी ऑप्शन हमारे यहां पे राइट right हो जाएंगे और दूसरी बात अगर हम लोग यहां पर बात करें अगला जो इन्फॉर्मेशनस आपके लिए है मेरे दोस्त वो इन्फॉर्मेशनस आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर लगता है कि नहीं इस बार हमको एलपी में नौकरी करना और जॉब लेकर के जाना है तो एक सीक्वेंस में एक सही तरीके से आप तैयारी कीजिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको नौकरी रिलेटेड से बसरते कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए पढ़ने की अगर भूख है नौकरी की अगर भूख है कि नहीं हमको करना यह नहीं कि बोल रहे हैं सिर्फ बोलने का मतलब होता है कि हमें उस लेवल से जितना बोलते हैं उससे ज्यादा करना भी है और वही करना है जो हमारे काम का है और जो लोग जिस दिन इस चीज को समझ लेते हैं उनका सिलेक्शन होता है इसलिए मेहनत करिए अपने आप पे विश्वास डेवलप कीजिए सबसे पहला चीज है अपने आप को कहिए कि हम कर सकते हैं दुनिया में इंसान ही है सब कुछ करता है आप भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन आपके दिल में जज्बा होना चाहिए आप बिल्कुल सक्सेस करेंगे तो अगर आपको एलपी का आपका सपना है कि नहीं हमको करना है इसमें कोई दूसरी कोई दूसरा समझाने आएगा आप उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा आप अपना मोटिवेशन खुद बने आपको अपना मोटिवेशन खुद दिखे कि हम करेंगे हमारे अंदर कैपेबिलिटी हम जरूर करेंगे और आप कर सकते हैं और करना बहुत आसान काम है मेरे दोस्त एक पैटर्न में तैयारी तो कीजिए एक सीक्वेंस में कीजिए एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी तो कीजिए आप जरूर सक्सेस सफलता पाएंगे अगर हम लोग बात करें कि ये जो हम आप, आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए ये इसलिए लेकर के आए हैं ये चैप्टर वाइज हमारा चैप्टर में भी लेवल वाइज है इजी लेवल होंगे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे और टफ लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे तीन लेवल के क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज बना रहे हैं और अभी से लगातार अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठे एलपी तो छोड़ो किसी भी एग्जाम में अगर बैठे तो सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब जाकर के ऊपर चला जाएगा इसीलिए ध्यान रखेंगे अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एल पी टेक का टेस्ट देना है तो उसके लिए हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज वाइज सेशन आया है और ये में हमारा मैथ भी है रीजनिंग भी है और साइंस भी है क्योंकि हम जानते हैं हमारा ए एल पी जो होता है वो इन्हीं तीनों के लिए जाना जाता है इन्हीं तीनों पे हमारा मेरिट बनता है तो इस बात को नहीं भूलना कि ये आगे चल करके पीटी हो कि मेंस हो कहीं भी आपको इस्तेमाल होगा इसके बिना आपका मेरिट अधूरा है मेरिट नहीं बन सकता है <coughs> यह का क्लास चल रहा है बिल्कुल मंटोजी आप की क्लास को वॉच कर रहे हैं आप कंटिन्यू देख सकते हैं अब देखिए 20 क्वेश्चंस आपके मैथ के होते हैं 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके साइंस के होते हैं 20-20 क्वेश्चंस का यह सीरीज है और मंडे टू फ्राइडे आपका यह चलता है और 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन हुआ जेन्युइन और 60 क्वेश्चंस को हम लोग नहीं नहीं तो 100 क्वेश्चंस के बराबर करवाते हैं और पर डे अगर कुछ नहीं भी आप करते हैं अगर 100 क्वेश्चंस पर डे बना रहे हैं तो आपका लेवल यहां नहीं रहेगा आपका लेवल यहां पे पहुंच जाएगा जो लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे बाद में उनकी पछतावा उनको होगी अभी मेहनत करेंगे रास्ता क्लियर नजर आएगा आपको एकदम इजी वे में आप क्वालिफाई कर जाएंगे नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए फिर बाद में तो आपको दिक्कत परेशानियां झेल नहीं पड़ेगी तो ये मैथ के रीजनिंग के साइंस के ये क्वेश्चंस आपके द प्लेटफॉर्म ऐप पे करवाए जाते हैं जिसको आप ज्वाइन करके कर सकते हैं और पूरा का पूरा ए बेस्ड क्वेश्चन ही होता है और करिएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा लेवल कहां था एक महीने के बाद मेरा लेवल कहां पर पहुंचा है क्या ये टेस्ट देने से हमें फायदा हुआ है या नहीं हुआ है अपने आप को आप जज कीजिएगा ठीक है तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है ये गौरव यादव का कहना कि सी का सर आर की भी क्लासेस आर एसी की क्लासेस हमारे यहां चल रही है ऑनलाइन में आप आर का भी बैच परचेज कर सकते हैं द प्लेटफॉर्म ऐप से वहां पे आपको आर की मिल जाएंगे अब बात करते हैं सर फीटर का क्लास ज्वाइन करना अभिषेक जी अगर करना है तो लेट नहीं करना है मेरे दोस्त क्लास के लिए कुछ भी चीज लेट हो जाए हो जाए लेकिन क्लास को लेट नहीं करना है क्योंकि जिंदगी आपका यहीं से शुरुआत होगा जिंदगी आपकी यहीं से बनेगी और आप इसी को पीछे छोड़ देंगे तो फिर मामला गड़बड़ है तो अपने आप को सोचिए नहीं हमको ऊपर ले जाना अब अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्पॉट फेसिंग दो तरह की चीजें मैंने बताई थी एक टर्म मैंने आपके सामने यूज किया था जो टर्म था हमारा रिमिंग का और दूसरा जो टर्म हमने बोला था वो टर्म है हमारा स्पॉट फेसिंग का एक टर्म हमारा रिमिंग का था और दूसरा टर्म था हमारा स्पॉट फेसिंग का रिमिंग क्या करता है तो कहेंगे ये भी हमारा सरफेस को फिनिश ही करता है सरफेस को फिनिश करेगा ये भी करेगा हमारा सरफेस को फिनिश ही करता है इस बात को आप जानते होंगे तो सरफेस फिनिशिंग के लिए स्पॉट फेसिंग कीजिए कि की रिमिंग कीजिए लेकिन अगर होल के अंदर का सरफेस फिनिशिंग करना होगा तो आपको रिमिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हम यहां पर कहेंगे कि छिद्र के अंदर की सतह का फिनिशिंग करना होगा छिद्र के छिद्र के अंदर की सतह का फिनिशिंग अगर करना होगा तो उसके लिए रिमिंग करेंगे और जब हमें ऊपरी सतह का करना पड़ेगा तो स्पॉट फेसिंग करेंगे तो बाहरी सरफेस से हमें क्या करेंगे तो हम कहेंगे बाहरी सतह का फिनिशिंग करने के लिए बाहरी सतह का फिनिशिंग करने के लिए हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं दोनों हमारा सरफेस फिनिशिंग ही करेगा एक हमारा सरफेस के ऊपर का फिनिशिंग करेगा एक अंदर होल के अंदर के सरफेस का फिनिशिंग करेगा दोनों सरफेस फिनिशिंग के लिए होता है हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है स्पॉट फेसिंग इसका मतलब है आपके नजर यहां पर जाना चाहिए बाहरी सतह का फिनिशिंग करेगा हम आपको दिखाते हैं हमारा स्पॉट फेसिंग होता कैसा देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा ये हमारा एक्चुअली वर्क है

करेगा उसके लिए रिमिंग करना पड़ता है इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए तो यहां पे मुझे भी फीटर की क्लास करने हैं गुरु जी आ, माही जी का कहना है बिल्कुल आप कर सकते हैं आई टी एफ फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर कोई मतलब नहीं रखता है अभी से जुड़ जाइए करना है तो करना है और कभी भी नॉलेज बेकार नहीं जाता है अभी नॉलेज मिल जाएगा जिंदगी में आप बहुत कुछ कर जाओगे इसीलिए मेहनत करिए और सोचिए कि हमें इस बार जॉब लेना है और सिर्फ यह मत सोचना कि एल नहीं होगा तो क्या होगा अरे मेरे दोस्त अगर तुम सही से पढ़ लोगे सब्जेक्ट को अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो तुम्हारे पास तुम्हारा नॉलेज है जिंदगी में कहीं भी काम आएगा कहीं भी तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल दिखेगा अगर तुम्हारे अंदर कंसेप्ट नहीं होंगे नहीं पढ़ोगे फिर तुम खाली हो जाओगे कोई दिक्कत तब तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं है मेरे पास इसीलिए ध्यान रखना चलिए मंटो जी आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर ये जो फेसिंग है हमारा स्पॉट फेसिंग बाहरी सतह को फिनिशिंग करने के लिए स्पॉट फेसिंग हम लोग करते हैं तो यही क्वेश्चंस था हमारा कि स्पॉट फेसिंग क्यों करते हैं तो कह रहा है यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं मैक सरफेस फ्लैट मैक सरफेस फ्लैट सरफेस हमारा कैसा तो फ्लैट होगा ऊपर से फ्लैट मतलब चौड़ा होगा ये सरफेस मान लेते हैं गौर से देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा ये फ्लैट है ऐसे करके रख दिए तो ये फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस को चिकना बनाने के लिए फ्लैट सरफेस के बाहरी फेस को चिकना बनाने के लिए स्पॉट फेसिंग करते हैं और कह रहा है कि जो नट बोल्ट भी लगाते हैं खाचा बना हुआ था उनके बाहरी सतह को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं सो दैट द बोल्ट कैन टेक प्रोपर सीट यानी कि अच्छे तरीके से बोल्ट अगर फिनिशिंग रहेगा अगर फिनिशिंग बढ़िया रहेगा तो नट बोल्ट भी हमारे अच्छे तरीके से पकड़ में आएगा तो uh, हैं वो अच्छी तरीके से बैठ पाए जिसके लिए स्पॉट फेसिंग करेंगे यानी स्पॉट फेसिंग जो होता है बाहरी सर्फेस को करने के लिए करते हैं दूसरे दे, दे, देखो ये क्यों नहीं होगा कह रहा है कि फाइन फिनिश टू द ड्रिल होल होल के अंदर हम लोग नहीं करेंगे इससे होल के अंदर अगर फिनिशिंग करना होगा रीमिंग ऑपरेशंस करेंगे इसके लिए रीमिंग करना पड़ेगा यहां पे हमारा सामने दे रखा है कहता है एग्जिस्टिंग होल गौर से सुना एक, -एक बात इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग होल पहले से जो छिद्र किए हुए हैं उस छिद्र को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं क्या करते हैं इन लार्जिंग द एग्जिस्टिंग बड़ा करना इन लार्ज द एग्जिस्टिंग होल पहले से जो होल है उनके साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो कहेंगे इसके लिए हम लोग हमें इसका मतलब हो गया इन लार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल होल को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर इसके बोरिंग ऑपरेशन करना पड़ता है इस बात को ध्यान रखना यहां पर बोरिंग ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद देखा प्रोड्यूस थ्रेड ऑन द होल होल के अंदर थ्रेडिंग करनी होगी तो स्पार्ट फेसिंग सरफेस फिनिश करेगा तो यह होल कैसे होल के अंदर आपका कह रहा है कि होल के अंदर यहां पर थ्रेड बनाएगा नहीं नहीं ये इनका कोई रोल नहीं है हम लोग थ्रेडिंग करने के लिए हम बात करेंगे कि थ्रेडिंग थ्रेडिंग करने के लिए हम है, है? लिए हम 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 लोग लोग क्या करते हैं हैं ठीक है है उसके लेथ का लेते आगे बात करेंगे थ्रेडिंग कैसे की जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन राइट होंगे और याद रखना कि पहले से ऑलरेडी ड्रिल किया हुआ होल है उसके साइज को अगर बड़ा करना होगा हम लोग क्या करेंगे बोरिंग करेंगे और अंदर होल के अंदर के सर्फेस को फिनिशिंग करना होगा तो रिमिंग करना पड़ता है ठीक है चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और अगला हमें दे रखा है और यह कुछ ऐसा होगा कर्व दिख रहा है ये ट्विस्ट ड्रिल इसी का नाम होता है ट्विस्ट ड्रिल कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है। ट्विस्ट ड्रिल टेन एम एम अरे मेरे दोस्त यहां पर एक बात समझना अगर तुमको ऐसा करके अगर लिख दिया कि फाइव अगर टेन एम एम है इस बात को नहीं भूलना क्योंकि एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर फाइ टेन एम एम लिखा हुआ है तो ये आपको ड्रिल के डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि फाइ जो है वो डाया को बताता है ये फाइ किसको इंडिकेट करता है तो कहेंगे ये ड्रिल डाया को ये किसको तो कहेंगे ये ड्रिल के डाया को इंडिकेट करता है इस बात को ध्यान रखेंगे ये फाइ जो है ये ड्रिल के ड्रिल के ड्रिल के ब्यास को ड्रिल के ब्यास को इंडिकेट करता है ये फाइ जो आप देख रहे हैं ड्रिल के ब्यास को इंडिकेट कर रहा है अब बताओ कि ड्रिल का डायमीटर कितना होगा तो तुम कहोगे कि सर ड्रिल का डायमीटर जो होगा वो 10 एम होगा तो ड्रिल का ब्यास कितना हो गया तो कहेंगे ये हमारा 10 एम हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसा कि आपको ड्रिल का ये डाया यहां से लेकर के यहां तक आपको ये दिख रहा है ये कितना एमएम mm का दिख रहा है तो कहेंगे यहां पर आपको क्वेश्चंस में बोल दिया है कि इसका मीनिंग कितना तो कहेंगे दस एम एम और लिखने का तरीका हमारा ये होता है हमेशा डायमीटर जब लिखेंगे तो फाइव पहले होता है बाद में उसके डायमेंशन गिवेन होते हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे अब बात करते हैं कि 10 mm का ब्यास दे रखा है जो कि हमें नीचे दिखाया गया है कह रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स हमें क्या चाहिए हमें वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए ये इस एक्स का मान चाहिए और ये एक्स कौन सा है तो ये एक्स हमारा ये है ये हमारा एक्स है गौर से देखना और गौर से समझना इस डायग्राम को हम यहां पे थोड़ा सा हम इस डायग्राम को और इजी वे में बनाते हैं और गौर से सुनना कि वही चीज कह रहा है आपको देखो हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारा ड्रिल है और इस ड्रिल में अगर हम लोग देखें तो ये जो दिख रहा है ऐसे करके जिसमें हम लोग इस पर अपॉइंट एंगल भी यहां पर देखते थे एक्चुअली हमारा ये जो डायमीटर दे रखा है ना यहां से लेकर के यहां तक ये डायमीटर हमारा कितना है तो ये 10 एम mm डायमीटर है ये कितना होगा तो 10 होगा अब इसमें करना क्या है कि इसके बीचों बीच हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है तो अगर ये अगर 10 है यहां से यहां तो इसका मतलब है मेरे दोस्त इसके आधे भाग को कंसीडर करना है तो यहां से यहां 10 है तो बताओ यहां से यहां कितना होगा तो ये पांच हो जाएगा ये कितना एम हो गया पांच एम हो गया हमको क्या चाहिए तो हमको क्या चाहिए मेरे दोस्त वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा हमको ये चाहिए हमको क्या चाहिए हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए यानी हमको ये चाहिए इसका मतलब है कि ये हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ पांच और ये दिया हुआ पांच ये दिया हुआ एक्स और ये एंगल की बात करेंगे एंगल हमारा कितना है तो थीटा है इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा कि ये अगर हमारा यहाँ पर पांच है और इसको बोल दिया क्वेश्चन में एक्स है ये यहां से लेकर के यहां तक और ये एंगल हमें अगर पॉइंट एंगल टू थीटा होता है अगर पॉइंट एंगल टू थीटा होता है तो हाफ एंगल थीटा ही होगा तो कहेंगे हाफ एंगल कितना लेंगे तो हाफ एंगल हमारा कितना होगा तो कहेंगे कि ये थीटा ही होगा क्योंकि हम लोग हाफ की बात कर रहे हैं तो ये ट्रेंगल बन गया अब हम लोग आते हैं ये ये हमारा का है, ये और हम लोग एक्स तो करेंगे, करेंगे? तो हमको एक हम क्या चाहिए एक्स चाहिए हमको क्या चाहिए हमें एक्स का मान चाहिए यहां से एक्स का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये पांच बटा कितना हो जाएगा तो क्योंकि हमें टेन थीटा देगा

अभी कोई शेड्यूल नहीं है लेकिन यह सियोरिटी जरूर है कि वैकेंसी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी अगर वैकेंसी आएगी तब मेहनत करिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा बहुत लोग अभी तक में कवर कर चुके हैं अपना सिलेबस बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रेड को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी आप पीछे चल रहे हैं आप सोचिए जब वैकेंसी आएगी तो आप कितने पीछे चले जाएंगे आपको पीछे नहीं जाना आपको हमेशा सबसे ऊपर रहना है यार अपने आप कर को हमेशा ऊपर बना करके रखो पीछे तो बहुत लोग हैं पीछे के लोगों के लोगों लोगों को को देखना देखना ही नहीं आपको ऊपर है जब आप पीछे देखने लगोगे ना तो और भी आप नीचे जाओगे इसलिए ऊपर वाले लोगों को देखो कि हमें और भी मेहनत करके ऊपर जाना है और भी ऊपर जाना ऊपर वाले को देखोगे तो तुम्हारा स्टेप और भी बढ़ेगा नीचे देखोगे तो नीचे स्टेप बढ़ेगा इसलिए तुम सोच लो कि हमें ऊपर देखना है कि नीचे देखना है अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ हमने यह भी बोला कि इस पर एक ही क्वेश्चन बचता है और इस ज्योमेट्री पर

इसका मतलब है कि 2 थीटा का मान 118 डिग्री होगा और जब 2 थीटा का मान 118 डिग्री होगा तो बताओ मेरे दोस्त थीटा का मान कितना होगा तो तुम कहोगे 118/2 हो गया इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ये 59 डिग्री दिख रहा होगा तो थीटा का मान 59 डिग्री कंसीडर करके चलना है क्योंकि जनरल पर्पस के लिए जनरल पर्पस के लिए 2 थीटा जो पॉइंट एंगल होता है हमारे ड्रिल में वो 118 डिग्री लेके चलना है अगर दे रखा है तो अच्छी बात नहीं दे रखा है तो आपको मानना है टू थीटा बराबर एक डिग्री तो थीटा बराबर 59 डिग्री अब बताओ कि अगर थीटा बराबर 59 डिग्री हो गया तो अगर तुमको क्वेश्चंस में सब कुछ दे रखा है कि टेन 59 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो टेन 59 डिग्री का वैल्यू 1.66 होगा तो यह डेटा दे रखा है 1.66 तो बताओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम कहोगे कि सर यहां क्या करना है तो कहेंगे पांच और यहां पर हमें टेन यहां पर फिफ्टी रखना है डिग्री और यहां पर हम कहेंगे पांच बटा कितना होगा तो वन जो कि टेन 59 का मान हमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि 10 59 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है तो 1.66 हमें गिवन है तो यहां से 1.66 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो x का आएगा ये लगभग हमें तीन के आसपास आएगा और ये तीन क्या होगा तो कहेंगे ये तीन हमारा एम mm हो जाएगा तीन mm की तीन mm ये हमारा होगा एक्स का मान कितना आएगा तो कहेंगे एक्स का मान हमें यहाँ पे तीन mm देखने को मिलेगा और यहीं पर हमारे सॉल्यूशंस हो गए तो ये हमारा कितना mm लगभग mm right तो तो हम कल करवाएंगे आपको ठीक है स्पेशल रेलवे का बैच है गुरु जी बिल्कुल मेरे दोस्त जो लोग हमारे क्लास को वॉच करते हैं और हम हमेशा कहते हैं मेरे दोस्त अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है तो आप क्लास करिए अदरवाइज नहीं तो आपको लगता है कि नहीं हमें बेहतर क्वालिटी नहीं मिलते तो हम हम बस आपके रास्ते हैं हम बस आपके लिए काम करना जानते हैं हमको लगता है कि नहीं अपना बेस्ट दें और आपको जो चीज पढ़ाएं वो आपके दिमाग में रहे ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और हमको पता है कि आपका लेवल कहां है और आपको कहां से कहा लेके जाना है हर चीज को तोड़ के सिखाना है क्या आ, क्या ये क्लास मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं देखिए मैकेनिकल जिनका है वो भी कर सकते हैं आप जेई में भी क्वेश्चंस बनाएंगे यहाँ से आप जेई में भी बनाएंगे क्वेश्चंस आप क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस बनाएंगे आप जेई के अलावा अगर तैयारी करते हैं फिर भी आपको ये काम आता है अरे मेरे दोस्त तो सबको पढ़ने होते हैं छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना बड़े लोगों को भी पढ़ना होता है ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं नाइन टेंथ के क्वेश्चन आते हैं आप ए का तैयारी करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का आप बीटेक एमटेक कर लिए फिर भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं अगर सही से पढ़े रहिएगा तो नजर आएगा नाइन टेंथ के क्वेश्चन नजर आएगा छोटे क्लासेस के क्वेश्चन हैं वो लेकिन अगर आप सही से पढ़े नहीं रहिएगा तो हवा ही नहीं लगेगा क्वेश्चन आ रहा कहां से तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को हाँ एक्स का मान लगभग आपको लगभग आपको थ्री एम mm के आसपास आएगा बिल्कुल करेक्ट है प्रधान जी यानी हमारे आंसर जो होंगे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी ही हमारे करेक्ट होंगे ठीक है चलिए तो आंसर करेंगे हमारे बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला दे रखा है कैलकुलेट द आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील हाई स्पीड आपको स्टील का ड्रिलिंग करना है अब बताओ यहां पर तुमको दे रखा है equal to इतना mm. तुम समझ गया होगा कि अगर ये phi इक्वल टू इतना एम mm दे रखा है इसका मतलब डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है तो कहेंगे phi इंडिकेट करता है डाया को तो की डाया कि, कितना होगा तो कहेंगे बारह mm एम का डायमीटर दे रखा है यानी कि जो ड्रिल है वो बारह mm डायमीटर का अब कह रहा है कैलकुलेट द आरपीएम आरपीएम आपको कैलकुलेट करना है और आरपीएम हमारा एन की यूनिट हमारी आरपीएम होती है एन जो होता है इसी को हम लोग नंबर ऑफ रिवलेशन आरपीएम में रखते हैं तो हमें अगर ये कह रहा है निकालने के लिए इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें एन का मान कह रहा है निकालने के लिए हमें एन चाहिए हमें आरपीएम चाहिए आरपीएम का मतलब होता है रेवलेशन परमिनेंट होता है बस ये आपको क्लियरिटी समझ में आना चाहिए अब कह रहा है टू कट एलमोनियम एलमोनियम को कट कर रहे हैं। द कटिंग स्पीड फॉर एलमोनियम इज 50 मीटर मिनट कटिंग स्पीड रखा। कट करने के लिए कटिंग स्पीड होता है और ये तो रिवोल्यूशन है कटिंग स्पीड को भी से दिखाते इसी को हम लोग कटिंग स्पीड कहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा कटिंग कटिंग स्पीड स्पीड होगा और जो कैलकुलेट करना है यह हमें किस में कैलकुलेट करना है यूनिट को देखेंगे यह हमें मीटर पर मिनट में कैलकुलेट करना है और मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि अगर कटिंग स्पीड में आपको कैलकुलेट करना होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना डी एन में आप वन थाउजेंड का अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं एन जो है एन जो है वो आरपीएम में है यहां पर ये एन जो है ये आरपीएम में है डायमीटर जो है वो हमारे एमएम में होते हैं और कटिंग स्पीड जो होंगे वो हमारे मीटर पर मिनट में होते हैं इस बात को ध्यान में रखना ये डेटा एकदम ध्यान में रखना ये स्पीड जो देगा वह मीटर पर मिनट में देगा और ये डायमीटर जो होगा वो एमएम में होगा और एन जो होगा वो आरपीएम में होगा हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एन चाहिए यानी कि तो इस फॉर्मूला से हम एन को बाहर कर लेंगे और एन को बाहर करेंगे तो वी गुना क्या करेंगे तो कहेंगे एक हजार करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे से तो पाई गुना डी से अब बताओ वी तुम्हें कटिंग स्पीड दे रखा है क्वेश्चन में और कटिंग स्पीड कितना दे रखा है तो ये पचास मीटर पर मिनट दे रखा है तो यहां पर 50 हो गया और 1000 तो तुम्हारा क्वेश्चंस में ही हमारे फॉर्मूला में ही होता है वैल्यू कितना होगा तो कहेंगे का वैल्यू चार होगा और डायमीटर कितना दे रखा है तो कहेंगे mm में ही डायमीटर को रखना है तो ये हमारा कितना होगा कहेंगे बारह mm हो गया इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और ये कैलकुलेट होने के बाद ये वैल्यू आपको तेरह मीटर पर मिनट सॉरी इतना आरपीएम आएगा इतना आरपीएम निकल करके आएगा एन का मान इतना आरपीएम आ गया आपको लगभग आंसर हमारे क्या होंगे तो सी ऑप्शंस करेक्ट होंगे बात से समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त तो, सर आर जेई के लिए कैसे तैयारी करें देखिए जेई की तैयारी के लिए कैसे करेंगे तो मैकेनिकल वाले जिनका भी मैकेनिकल है हम मैकेनिकल को भी पढ़ाते हैं हमारे जेई वाले भी बच्चे हैं जिसमें आपको पूरा थर्मल का पार्ट प्रोडक्शन के कई पार्ट हम आपको पढ़ा देंगे लेकिन उसके बैचेस आएंगे थोड़ा सा नोटिफिकेशन अगर आता है तो हम उसके लिए भी करेंगे और उनके लिए एक बैच देंगे और जिसमें आपको तोड़ तोड़ करके हर एक चीज आपको सिखा दूं ठीक है तो वो भी आपके लिए आएगा इसीलिए अगर आप आर आर वी जेई का तैयारी करते हैं अगर आपका मैकेनिकल है तो आप ए एल पी के फॉर्म भी भर सकते हैं इसीलिए अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो आपके जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे हम कह रहे हैं जो करिए आर आरबी जेई में भी क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता है धीरे धीरे करके हर चीज करना पड़ेगा अभी से मेहनत कर लीजिएगा सेकेंड पार्ट आपके मैकेनिकल के मजबूत हो जाएंगे और फर्स्ट पार्ट जब वैकेंसी आएगी तो आप पढ़ लीजिएगा टेक्निकल आपका स्ट्रांग हो जाएगा एक ही बार में सोचेगा नहीं सब कुछ पढ़ना है तो फिर मामला घरवर होगा इसीलिए अगर जेई वाले भी हैं लगता है कि नहीं हमें आगे एल भी देना है हमें जेई भी देना है तो आप बिल्कुल इसको परचेज करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं जो आपको कोर्स हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पे होता है द प्लेटफॉर्म ऐप पे आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं आप उसको कीजिए कोई दिक्कत नहीं हो इंग्लिश हिंदी का कोई लफरा नहीं है कहीं से कुछ नहीं सोचना है हम हमेशा इंग्लिश हिंदी सब तोड़ करके ही बताते हैं इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे सर प्रधान जी सर कमेंट पे भी ध्यान दीजिए गुरु जी बिल्कुल कमेंट पे ध्यान दे रखे तेरह सौ छब्बीस बिल्कुल आपका प्रधान जी राइट आंसर है यू आर करेक्ट चलिए इसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले के लिए भी बैचेज चल रहे हैं जिसमें राकेश सर आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का बैच करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपको पढ़ने होते हैं ठीक है संतोष गुप्ता जी एलपी वैकेंसी कब एलपी वैकेंसी कमिंग सून है नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि आप जानते हैं चुनावी साल होगा और चुनावी साल में कुछ ना कुछ आपके लिए होगा तो वहां पे आपको अलर्ट रहना है ठीक है ठीक तो आंसर करेंगे हमारे क्या हो जाएंगे तो सी हमारे यहां पे राइट हो जाएंगे चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त यहां पर कि अगर हम लोग ट्विस्ट ड्रिल की बात करते हैं ये जो हमारा ड्रिल है ना इसको ट्विस्ट ड्रिल ही बोलते हैं और कह रहा है स्पेसिफाइड बाय सेंक होता है उसमें उसके मटेरियल से होता है और साथ ही साथ ड्रिल के हम लोग क्या लेते हैं तो लिप एंगल दे रखा है डायमीटर दे रखा है लेंथ ऑफ द बॉडी दे रखा है फ्लूड लेंथ दे रखा है तो बताइए इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करेंगे तो क्या करेंगे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग ड्रिल के डाया को भी लेते हैं तो डायमीटर हमारा हो गया हमारे क्या होंगे यहाँ पे सेंक हो गए उसके बाद हमारा मटेरियल ड्रिल का मटेरियल हो गया और साथ ही साथ हम लोग डायमीटर को लेकर के चलते हैं तो ट्विस्ट ड्रिल हमारा है specific, होता है सेंक मटेरियल और डायमीटर से इसलिए आंसर करेंगे यहाँ पे हमारे भी हम लिप एंगल बताए आपको कि लिप एंगल कितना आठ से बारह डिग्री मैक्सिमम होता है और फ्लूड का लेंथ हम बताएंगे फ्लूड की लंबाई क्या होती है लेंथ ऑफ द बॉडी क्या होता है सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम करेंगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि काउंटर बोरिंग क्या होगा सर एमएमबी ट्रेड की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी विश्वजी देखिए अगर ट्रेड की स्टार्टेड एमएमबी की अगर स्टार्ट होती है तो आपको नेक्स्ट जो आने वाले जनवरी है नेक्स्ट साल जो नए साल है उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा ठीक है डीआरडीओ जीरो एट को एग्जाम है मेरा अगर डीआरडीओ का एग्जाम है अभी तक में मैंने जितने करवाए हैं क्लासेस सब को क्लास को आप वॉच कर लीजिए आपको बहुत बेनिफिट होगा और हम कोशिश करेंगे जब तक आपका आठ तक एग्जाम होता तब तक में और भी चैप्टर के क्वेश्चन हम आपको करवा दें ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने होंगे काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन हमने आपको बताया था कि काउंटर बोरिंग में क्या करते हैं ये हमारा वर्कपीस है ये वर्क पीस है हमने बताया था कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं ऐसा ड्रिल करते हैं ऐसा ड्रिल करते हैं ये वाला देखो ये काउंटर बोर है काउंटर बोर कहने का मतलब है जब आप नट कसोगे इसके अंदर तो ये नट हमारा इस डायमेंशन में इसके अंदर नट हमारा बढ़िया से इसके अंदर ग्रिप में हमारा चला जाएगा इधर हमारा नट का ये वाला हमारा बोल्ट का होगा और हमारा ये नट इस पे कसा हुआ रहेगा तो ये जो खाचा आपको दिख रहा है ये जो खाचा इस तरह से दिख रहा है ये हमारा किसका है तो कहेंगे ये हमारा किसका है तो कहेंगे ये काउंटर बोर्डिंग का ही है और काउंटर बोर्डिंग कहने का मतलब है अगर इसके आंसर्स अगर हमें करने होंगे आठ के तो आंसर्स क्या करेंगे तो अगर हम लोग देखें तो बेलनाकार रूप में छिद्र बेलनाकार रूप में छिद्र बेलनाकार कहने का मतलब है पूरा सर्कुलर होल की बात कर रहा है सिलिंड्रिकल होल सर्कुलर होल सिलिंड्रिकल होल इसलिए बोलते हैं कि ये सर्कुलर होल तो है ही लेकिन लगातार हमारा होल है उसको सिलिंड्रिकल होल भी कहते हैं सर्कुलर होल भी कहेंगे तो सर्कुलर तो है ही लेकिन सिलेंडर के समान यहां से ऊपर से नीचे तक हमारा होल है इसीलिए इसको बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरिप का सिरा बड़ा करने के लिए देखो ये छिद्र ये छिद्र हमारा होल है इनके सिरा को बड़ा करने के लिए ऊपर वाला जो चीज है, है।, है। इसलिए हमारे आंसर क्या होंगे तो ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएंगे तो ये हमारा कांटर बोर से रिलेटेड क्वेश्चन था और आगे हम यहां पर फिर बात करेंगे देखो अगला क्वेश्चन सामग्री को काटने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट के शंकु के आकार अब बताओ

टैंग ये है तो इनका कोई कटिंग में रोल नहीं होता है बस पकड़ने के ये काम आता है ड्रिल विच को अगला है हमारा फ्लूड तो फ्लूड से हमारे मटेरियल बाहर निकलते हैं कटिंग जो चिप्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं फ्लूड के माध्यम से कूलिंग हमारा जाता है नीचे लेकिन ये जो पॉइंट दे रखा है पॉइंट में ही हमारे कटिंग एज बने होते हैं इसी के अंदर हमारा क्या होगा तो कहेंगे इसी के अंदर हमारा कटिंग एज बना होता है और यही कटिंग एज क्या करता है तो कहेंगे यही कटिंग एज कटिंग करता है और शंकु के आकार का हमारा पॉइंट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ड्रिल बिट है ये हमारा ड्रिल बिट है ये हमारा ड्रिल बिट है ये हमारा इसकी बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है ये आपको शंकु के आकार का दिख रहा होगा ये आपको शंकु के आकार का दिख रहा होगा एक्चुअली हमारा ड्रिल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है

लेकिन करिए जहां पढ़ना है पढ़िए लेकिन पढ़िए आपको सफलता अगर लेना है लग जाइए मेहनत कर समय इंतजार नहीं करेगा आपको मेहनत करना पड़ेगा मेहनत करिएगा बहुत फायदा मिलेगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस को और देखेंगे ओके बाय तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं चूंकि अभी आपका दूसरा क्लास होगा तो उसमें आप लोग देखेंगे ठीक है यूट्यूब पे तो चलिए आज के लिए इतना ही ओके बाय सर बैच कहां मिलेगा देखिए अगर बैच परचेज करना है हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पे ऑनलाइन बैचेज मिलेंगे ऑफलाइन करना होगा तो हमारे पटना सेंटर पे आइए ऑफलाइन क्लासेस कीजिए और अभी बैच में ऑफर आपका दिया गया है जो कि आपको टिल जनवरी तक ये ऑफर होंगे जिनको जो बैच लेना है आप ले करके शुरुआत कर दीजिए पढ़ाई को इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलता है मेरा दोस्त कुछ भी इतना अच्छा मटेरियल इतना अच्छा कंसेप्ट हर चीज सुनने सीखने के लिए मिलता है मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा इसीलिए आप डिसाइड करिए कि हमें पढ़ना कहां है हमें करना क्या है ठीक है और वही चीज आपका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा मेहनत कीजिएगा सही रास्ते में सही जगह पहुंचेगा आपका सिलेक्शन होगा जो लोग यहीं पर फिसलेंगे उनका टर्निंग पॉइंट यहीं पे होगा ज्यादा सोचना नहीं है करना है अभी से करना शुरू कर दीजिए ठीक है चलिए तो यहां पर हमारा ये हो जाता है। बिहार, बिहार, बिहार कैंसिल हो गया है तो दूसरा और तीसरा पर भी विचार चल रहा है अगर उनके साक्ष्य उनके सही मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कैंसिल करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके बाय